तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम आपको बताएंगे यूज्ड कारों के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज, कि आप जब कोई यूज्ड कार यानी कि सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं तो आपको किन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। और आज इसलिए हमने अपने पास आमंत्रित किया है, हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर रहमान, तो ये आपको बताएंगे इसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज कि आप किन मेन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, कभी धोखा नहीं होगा और कभी आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो उसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं। फर्स्ट, आप भी नए ड्राइवर हैं और अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। सेकंड, अगर आपका बजट लो है, फर्ज कीजिए कोई गाड़ी ऑल्टो की आ रही है 4 लाख में, जिसका CNG मॉडल्स आता है 4 लाख के आसपास, और आपको मिल जाता है 1.5 लाख में कुछ साल चला हुआ, तो आप सोचते हैं कि इसमें हमें बेनिफिट हो जाएगा हमारा। हाँ तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, आपका एक पैर पूरी तरह क्लच पे होना चाहिए, नहीं क्लच पूरी तरह दबा होना चाहिए। और ये ड्राइविंग की बेसिक नॉलेज भी है कि जब आप गाड़ी में गियर चेंज करते हैं तो आपका पैर लीवर पर गियर क्लच पर होना चाहिए, और आप गियर इस तरीके से चेक करेंगे कि फुल गियर, इस टाइप के जो गियर आते हैं मैनुअल गाड़ियों में, तो आप देखिए कभी दिखाइए ना एक बार इस तरीके, देखिए कितने स्मूथली चल रहे हैं ये। फर्स्ट गियर आपने लगाया, सेकंड आप साइड में लाते हैं, उसके बाद में सेकंड गियर है, तो उसके बाद में आप बैक जाते हैं, वहाँ थर्ड गियर है आपका, फिर ये फोर्थ गियर है, और ये आपके सारे गियर बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। ये आपका बैक गियर हो गया है, ठीक है, राइट है, ये आपका बैक गियर है जिससे आप गाड़ी अपनी रिवर्स करते हैं, रिवर्स गियर भी कहते हैं। तो मैनुअल गाड़ियों में तो इसी तरीके से आता है लगभग जो है। और आप अभी यहाँ कुछ महसूस करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इंजन साउंड एक बार बाहर से दिखाऊंगा आपको कि इंजन की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। प्लस अगर हमें देखना है अपने स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग में हम क्या चेक कर सकते हैं, हमारा स्टीयरिंग किस तरीके से काम करना चाहिए। स्टीयरिंग में यह है कि पिले नहीं होने चाहिए, स्टीयरिंग सॉफ्ट होना चाहिए। अगर जैसे पिले वगैरह हैं, जैसे ये पिले होती हैं, तो ये चेक कर लेने, कोई पिले तो नहीं है अंदर, कोई वायरिंग वगैरह तो नहीं टूटा हुआ है। अच्छा, यानी लूजनेस नहीं होनी चाहिए, इसे चेक कर लेने, स्टीयरिंग वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, स्मूथ काम करता रहे एकदम जो है। हाँ, ये सॉफ्ट होना चाहिए, पूरे राउंड लेता है ये देखना है पूरा जो, इस तरीके से, ठीक है, पूरे राउंड। तो और इसके अलावा कोई पॉइंट जो हम इंटीरियर में देख सकते हैं, हमें और क्या देख लेना चाहिए, यानी गाड़ी के जो अंदर जो भी गाड़ी में होता है उसमें क्या और दो चार चीज़ें जो हम ध्यान रखें कि जो हमें नॉर्मली इस बजट में मिलती हैं 1 लाख से कम के बजट में, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं जो हमें मिल जाती हैं नॉर्मली। अगर पावर विंडो हैं तो वो तो ज़रूरी नहीं है हर मॉडल्स में मिलती हैं, कुछ मॉडल्स में होती हैं, कुछ में होती हैं, किसी में दोनों होती हैं, किसी में नहीं भी होती हैं, तो वो मेरे ख्याल से कोई मेन पॉइंट्स इतना नहीं है इस गाड़ी का। तो कुछ और छोटे पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें आप जैसे फर्स्टली आप देख सकते हैं जो गाड़ी के टायर हैं, क्योंकि जब आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो कम बजट की वजह से ले रहे हैं, तो टायर भी आपको देख लेने चाहिए कि किस कंडीशन में है मेन रूप से। तो आप जो इस गाड़ी में टायर हैं आपकी 2005 की जो है गाड़ी है, इसे क्या कंडीशन है, कितने, मेरे ख्याल से काफ़ी घिसे हुए हैं इस समय जो है, ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं, मीडियम कह सकते हैं इन्हें जो, हम है ना, ओके तो नहीं है, मीडियम है। अच्छा, इसके अलावा अंदर से अगर हम गाड़ी देखते हैं तो किन मेन पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। बॉडी वगैरह, बॉडी लाइन इसकी, इसकी बॉडी लाइन देखिए क्या हालत है। अच्छा, किलोमीटर, हाँ किलोमीटर तो आपको देखना ही देखना है, कितनी चली हुई है गाड़ी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके इंजन की क्या कंडीशन होगी जो। इसके अलावा स्टीयरिंग भी आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग और गियर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। गियर बॉक्स तो बिना स्टार्ट करे चेक हो जाएगा। हाँ तो एक बार दिखाइए जरा इसे, किस तरीके से हमें चेक करना जो है। तो आप इसमें क्लच दबाएंगे सबसे पहले, आप देखिए क्लच दबाया गया है, और आप ध्यान रखिए जब भी कोई ओल्ड गाड़ी है या आप सीख रहे हैं या चला रहे हैं तो बिना क्लच दबाए आप गियर का प्रयोग ना करें, ठीक है ना। इसके बाद में आप यहाँ क्लच ये चेक कीजिए, इसके पूरे बाद जो ये है गियर काम कर रहे हैं या नहीं कर, अगर स्मूथली काम कर रहे हैं तो आप समझिए सही है, गियर अटक रहे हैं ये कौन है तो फिर उसमें प्रॉब्लम है, और गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है जी। तो वो गाड़ी आपके लिए महंगी पड़ सकती है अगर इस तरीके से गियर बॉक्स भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना, उसके भी काफ़ी कॉस्ट आती है जो गियर बॉक्स से सही कराएंगे तो। लगभग कितना खर्चा आ जाता है गियर बॉक्स में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो? गियर बॉक्स में अगर मैंने कहा तो उसमें कम से कम 1500 रुपया खर्चा आया था। अच्छा, तो हाँ तो जहाँ तक हो सके मतलब गियर बॉक्स भी चेक करके लेना चाहिए जी जी। अच्छा, ठीक बात है। बॉडी वगैरह, बॉडी लाइन, बॉडी लाइन भी देखिए नीचे, और हो सकता है आप सबसे पहले आप नीचे से देख सकते हैं जो स्मूथी, अगर आप वैसे नहीं देख पाए तो सबसे अच्छा है कि आप उसे मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। आपका कोई मोबाइल है तो नीचे गाड़ी के नीचे वो तो जा ही सकता है नॉर्मली, ये तो सीधी बात है, ठीक है, उससे आपको पता पड़ जाएगा क्या कंडीशन है, मतलब बॉडी कंडीशन भी ऐसी हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि गाड़ी कितनी ओल्ड है, क्योंकि बहुत से यूज करते हैं गाड़ियों को,
कह सकते हैं पर्सनली जो गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं, और जो कमर्शियली यूज़ की जाती हैं यूज़ करते करते उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट गाड़ी हम देखते हैं, जैसे देखिए देखिए इसका इंजन देखिए, ये कौन सा मॉडल है सर? 2005 है। हाँ जी, अच्छा इसका क्या कह सकते हैं, गाड़ी ओके हो जाएगी? ये अभी फिलहाल तो ओके है इसका इंजन। देखते हैं उसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ये देखिए आप गाड़ी का इंजन खुला हुआ है, और ये आप साउंड देखिए, नॉर्मल साउंड कह सकते हैं हम इसे, यानी कि इस तरह का है तो आप कह सकते हैं गाड़ी ओके। ये देखिए यानी पूरी तरीके से वर्क कर रहा है इंजन, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा बैटरी वगैरह भी देख सकते हैं कि हाँ बैटरी ओके होनी चाहिए, अगर बैटरी अगर ओके नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, कहीं भी रास्ते में बंद हो जाएगी तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स आएगी। और इसके अलावा ऑयल वगैरह किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ऑयल तो लीक नहीं है इसमें, ये किस तरीके से पता पड़ेगा? ये तो आपको टेक्नीशियन ही बता सकते हैं नॉर्मली तो जो है, लेकिन देख सकते हैं फिर भी आप अगर आपकी निगाह जाती है वहाँ तक, या कहीं इंजन में जंग तो नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको देखने हैं, आप एक देखिए जो RC पर आता है, गाड़ी का नंबर आता है ना चेसिस पर जो नंबर आता है, तो वो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। कहाँ पर लिखा होता है बताइए? ये सामने होता है, आप देख सकते हैं RC पर, आप आराम से देखेंगे नंबर यहाँ मैच कर लीजिए, गाड़ी में किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं है। ये मेन पॉइंट्स है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का, आप ये समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ देख सकते हैं, क्या टायर भी देख सकते हैं। और अगर आपको नीचे से देखना है गाड़ी को कि गाड़ी गली हुई नहीं, तो उसके एक सिस्टम तो ये हो सकता है कि जहाँ पर वॉश करने वाले होते हैं आप गाड़ी वहाँ पर दिखा स्टैंड पर लगा कर देख सकते हैं नॉर्मली, तो ठीक बात है। अच्छा इसके अलावा ये आप अपना मोबाइल नीचे ले जाएंगे, जब कैमरे वाला मोबाइल है तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा गाड़ी की क्या कंडीशन है। इस तरीके से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो गाड़ी की जो भी कंडीशंस होगी आपको दिख जाएगी। सबसे अच्छा सिस्टम एक भी है, ये भी है, अगर आपको ये पता नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं, देखिए ये फिलहाल रनिंग कंडीशन में नहीं है, आपको रनिंग कंडीशन की गाड़ी दिखा दी है, इस तरह की गाड़ियाँ हैं। तो हम एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मिस्टर रहमान, देखिए सामने ज़रा, कि अगर हमारे कोई व्यूअर्स गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो केवल ड्राइविंग में अपना हाथ साफ जिन्हें करना है, तो लगभग किस बजट की गाड़ी वो लें, उससे ज़्यादा पैसा खर्च ना करें? अगर तो वो उनको गाड़ी सीखने के लिए चाहिए है तो वो कम से कम 35 से 40 के बजट की गाड़ी खरीदे। हाँ नॉर्मली इस बजट में ऐसी मिल जाएंगी जो चालू होंगी, और आप उस पर अपना 2-4 महीना या 6 महीने जो भी चलाना है उसे आराम से चला सकते हैं। जी जी। और उसके बाद में आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, यानी शुरू में ज़्यादा महंगी गाड़ी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जब एक्सपर्ट हो जाएँ तो किसी भी प्राइस की गाड़ी ले सकते हैं। ठीक बात है।